साथ आए हैं जो ये कहकर लोगों को दवा दवा नहीं जादू है, जादू इन पुड़ियों में है। माँ तुम भी, पर तुम्हें क्या हुआ? वैद्य जी ने कहा उनके इलाज से मेरा वजन झट से कम हो जाएगा। पर माँ वजन कम करने के लिए दवा नहीं तुम्हें कसरत करनी चाहिए। तुम क्या वैद्य जी से ज्यादा जानती हो? बहुत जाने माने वैद्य हैं वो। और फिर अगर बैठे बैठे इनसे वजन कम हो जाए तो कसरत करने की क्या जरूरत है? और इससे हमारा दिमाग कंप्यूटर की तरह तेज हो जाने वाला है। देखो तो इन रंग बिरंगी पुड़ियों के अंदर है क्या? हाँ हाँ मैंने खुद चेक कर देखा है, उसमें कोई दवा नहीं, सिर्फ पीसी चीनी का पाउडर है। हमें गांव वालों को सावधान करना होगा। क्या हुआ उस्ताद, आप गिर कैसे गए? उस्ताद क्या देख के भी नहीं चल सकते? चुप करो तुम दोनों, मैं तो ये सोच रहा था लगता है दौड़ लगाई है। ओफो, तुम दोनों बिल्कुल बेवकूफ हो, बेवकूफ। चलो इनका पीछा करते हैं। हमें इस भूल भुलैया में भागते भागते कितनी देर हो चुकी है, लगता है ये चीज सचमुच बेकार है। अगर तुम इतने समझदार हो तो यहाँ से निकलने का रास्ता तुम हमें बता दो। वैसे भी पूरी जिंदगी हम आपके साथ यहाँ फंसे नहीं रहना चाहते। वो देखो उस तरफ मुझे रोशनी नजर आ रही है, हमें जल्द से जल्द ढोलकपुर पहुँचना होगा। राजू हम तो हमेशा मिल बांट कर खेलते हैं। नहीं ये मैं किसी को नहीं दूंगा, ये मेरा है। राजू क्या हुआ भीम? वही तो हम तुमसे पूछना चाहते हैं, तुम्हें क्या हुआ है? कुछ भी तो नहीं। तुम्हारी वो रंगीन पहेली कहाँ है? क्या कौन सी रंगीन पहेली? अब ये मुझे मिली है और ये मेरी है। रुक जाओ कालिया। कि सारे रंग कहीं गायब हो गए हैं। इस रंगीन पहेली में जरूर कुछ राज है। नहीं भीम, वरना तुम भी इसके जादू में फंस जाओगे। पर हमें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता तो ढूंढना ही पड़ेगा। जब तक इस पहेली को राजू ने छुआ नहीं था तब तक उस पर इसका कोई असर नहीं था। जग्गू जरा पेड़ पर चढ़कर देखना कि आसपास कोई है क्या। मुझे कुछ दिख रहा है, शायद हमें वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए।
भागो भागो, काली रानी के सैनिक आ रहे हैं। रुक जाइए, हम किसी काली रानी के सैनिक नहीं हैं। हम तो ढोलकपुर से आए हैं। ढोलकपुर? हम यहाँ से वापस ढोलकपुर कैसे जाएंगे? पहेली का हल और वापस जाने का रास्ता तुम्हें सिर्फ काली रानी के पास ही मिल सकता है। कहाँ रहती है काली रानी? काली रानी का महल, उस दिशा में जाने पर तुम्हें महल मिल जाएगा। वो देखो। कौन हो तुम? मेरा नाम भीम है और मैं ढोलकपुर से आया हूँ। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम रंगीनपुर को उसके रंग लौटा दो और हमें ढोलकपुर वापस भेज दो। क्यों ना मैं तुम्हारे रंग भी छीन कर रंगीन पहेली में बंद कर दूं। रंगीन पहेली मुझे दो। सकते आपका वजन आपको नीचे ही ले आएगा। तुम्हें तो मैं मजेदार था। ये रस्सी ही बेकार है, वरना मेरे से अच्छा कलाकार पूरे ढोलकपुर में नहीं मिलेगा। अरे उस्ताद, आपसे अच्छे कलाकार तो हम दोनों हैं। अच्छा, तो फिर दिखाओ अपनी कलाबाजी। हम जग्गू की तरह ये रस्सी वस्सी पर नहीं कूदते। तो फिर क्या कर सकते हो तुम? हम हैं असली कलाकार और हम गाना गाते हैं। गाना? तो फिर हमें भी सुनाओ अपना गाना।